ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੈਪੁਰ ਪਿੰਡ ਰੈਪੁਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੈ ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮ ਇਹ ਲਾਡੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਕੋਟ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾ ਸਰ ਵੀ ਜੋ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ उनके ऊपर जैसे कितने हमने देखा 3 करोड़ की ठगियों के इल्ज़ाम लगे हैं और नशों में पकड़े जाते हैं उनके जो रिश्तेदार हैं और सारे आशीर्वाद दे रहे अपना इस बार फिर से एक बार लाडी जी को जताना है। बहुत युवा थे, युवाओं ने उनको जताया था बट इस बार जो युवा है वो बिल्कुल नाराज़ है आम आदमी पार्टी से। कि नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर। हेलो पंजाब, चुनावी यात्रा बठिंडा में है और यहाँ पर कांग्रेसी उम्मीदवार हैं हरविंदर सिंह लाडी जी, उनकी सुपुत्री डोर टू डोर कर रही है, आपने देखा तस्वीरों में वो कैंपेन कर रही हैं, उनसे जानते हैं। प्रबलीन, स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। जी थैंक यू सो मच। आप प्रबलीन, डोर टू डोर आप कर रहे हैं, किस तरह से चल रहा है आपका कैंपेन? बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सबका, सारे होपफुल है फिर से कांग्रेस सरकार लाने के लिए और सारे आशीर्वाद दे रहे अपना इस बार फिर से एक बार लाडी जी को जताना है। पिछली बार हमारे जैसे आम आदमी पार्टी जीती थी उसका, और इस बार लोग उनके तरफ नहीं जा रहे, हमारी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, अकाली दल के भी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी आ रहे हैं, बहुत होपफुल है इस बार। जी जी, चलिए हम आप चलते चलते आपसे बात करते हैं प्रबलीन। प्रबलीन, खासकर अगर लाडी जी की बात की जाए तो वो कैंपेन कर रहे हैं, आप भी हैं, मैडम भी मैदान में हैं, तो आपके कंधों पर दारोमदार रहता होगा युवाओं को, खासकर युवाओं को जोड़ने के लिए, तो किस तरह से उनको आप अपने पार्टी के साथ या लाडी साहब के साथ जोड़ते हैं? देखिए, युवा पहले भी जैसे हमने कहा कि यहाँ से आम आदमी पार्टी जीती थी पिछली बार, उनके साथ पिछली बार बहुत युवा थे, युवाओं ने उनको जताया था बट इस बार जो युवा है वो बिल्कुल नाराज़ है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि पिछली बार जो यहाँ के कैंडिडेट थे उन्होंने कुछ नहीं किया जी, तो इस बार भी जो अमित रतन जी आए हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर जैसे कितने हमने देखा 3 करोड़ की ठगियों के इल्ज़ाम लगे हैं और नशों में पकड़े जाते हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, तो इस बार युवा का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें कांग्रेस पार्टी को, तो वो इस बार होपफुल है हमसे। प्रबलीन, आपने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पर कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप उनकी कमियां हैं, उनके भ्रष्टाचार के आरोप है वो गिनवाते हैं या लाडी साहब के अपनी साफ छवि है जो उनके किए काम है उनको गिनवाते हैं? जी, हम लाडी जी जैसे आप जानते हैं कि पिछले 5 साल से दुख सुख हर एक में आ रहे हैं जी। कोई उन्होंने ऐसा मतलब कोई भी इन्होंने ऐसा गांव नहीं छोड़ा जहाँ पे वो गए नहीं, कम से कम 100 बार हर एक गांव में गए, हार कर भी हम हार कर भी आते रहे, तो लोग खुश है इस बार क्योंकि अगर कोई हार कर भी उनके इतने काम कर रहा है तो जीत के कितने काम करेगा। हमने उनको ग्रांट भी दिलवाई है जो हमारे चन्नी साहब हैं उन्होंने दिया हमारे हल्के को 15 करोड़ की। हाँ जी, लोग खुश हैं इससे। अरे, माताएं आपसे मिलती हैं तो किस तरह से वो अपनी डिमांड रखती हैं या वो क्या चाहती हैं? बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, खासकर महिलाएं आपसे मिलती होंगी, वो खुल के आपसे बात कर सकती होंगी, तो वो क्या कहती हैं, क्या डिमांड है, क्या सरकार उनके लिए करे? डिमांड जी ऐसे है कि पिछली बार जैसे हम जीत नहीं पाए थे तो कई काम रह भी गए, बहुत काम हुए भी हैं, जैसे औरतों के लिए किराया भी मुफ्त हुआ, सबसे बड़ी देन हमारी सरकार की, और जैसे कईयों के कार्ड भी जैसे अभी रह गए तो वो उनको परेशानी आ रही है बट मैंने उनको भरोसा दिया है कि हम उनके सारे काम करेंगे, बन भी रहे हैं कईयों के। हाँ जी, काम कर रहे हैं। चलिए, अब मुझे ये बताइए ग्राउंड पर जब आप गांव में डोर टू डोर करती हैं तो रिस्पांस कैसा मिलता है, क्या क्या लगता है कि तस्वीर कुछ साफ होने लगती है कि इस बार किस तरह का वोट मिलने वाली है, किस तरह का वोट परसेंटेज आपका रहने वाला है? वोट परसेंटेज का तो जी अभी लोग बताएंगे, ठीक है जी, बट जिस हिसाब से हमें रिस्पांस मिल रहा है बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसा मैंने मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैं दिल्ली से अपनी पढ़ाई मतलब कर रही हूँ, तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा इस बार पापा लीड के साथ जीतेंगे। और हाँ जी, चलिए कम से कम इसी बहाने कैंपेन के बहाने ही आपको अपने गाँव में घूमने का मौका मिला, अपने लोगों से मिलने का मौका मिला, वो तजुर्बा वो अनुभव कैसा है आपके लिए? जी, विलेज लाइफ काफ़ी अच्छी है और हम जीत कर भी आएंगे, मैं मिलती रहूँगी इनसे, अपनी पढ़ाई को छोड़कर भी मैं तो आती रहूंगी जी। चलिए चलिए प्रबलीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, ये प्रबलीन का अपना कैंपेन है, उनकी टीम है, वो लगातार लगी रहती है, ऐसे ही वो गांव-गांव जाते हैं, गलियों में जाते हैं, काम करते हैं, और कंचन टीवी भी ऐसे गलियों में मोहल्लों में पहुंच रहा है, लगातार काम कर रहा है। निवेदन करेंगे आपसे कि हमारे चैनल कंचन टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें हमारे वीडियो को और शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंचन टीवी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी के लिए निखिल और